अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम आइडियल ग्रामर स्कूल में शमा पे जो है मुस्लिम साइंस एकेडमी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है जिसमें बेसिकली मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंपिंग की गई है, जिसमें होप टू ग्रो की तरफ से ये किया जा रहा है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इसके जो डायरेक्टर और इनके जो चलाने वाले होप टू ग्रो को, इसको अर्न करने वाले हैं। तो हम बात करवाते हैं शराज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है आपके? आज आप कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ पर, इसका क्या मकसद है? सर, आज के कैंप का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हम अपने जो इलाज नहीं करा सकते गुरबा, उनके लिए ये फ्री मेडिकल कैंप है जिसमें हम जनरल फिजिशियंस को लाए हैं, फिजियोथेरापिस्ट को लाए हैं, हिजामा थेरापिस्ट को लाए हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स की एक प्रॉपर टीम है, 7 डॉक्टर्स जो हमारे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। तो इस मेडिकल कैंप का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए। अभी तक जो पेशेंट आ रहे हैं उनका क्या कहना है? अभी तक जो आपके पास आके जा चुके हैं उनके बारे में क्या कहना है कि वो क्या कह, अभी तक क्या कह रहे हैं? जी, जो हमने रिव्यूज़ लिए हैं उनसे तो वो हमारे डॉक्टर की टीम से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं और वो खुश होकर के जा रहे हैं। उन्हें हम फ्री मेडिकल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ट्रीटमेंट है, तो उनके जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, वो खुश होकर के जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब उनके साथ एक मैम है, मैम फातिमा तूर, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस कैंप के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कैंप हमने बड़ी मेहनत के बाद यहाँ पे हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ करवाया, और ये सिर्फ इसीलिए कि हमारे यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, हमारी जो गरीब आवाम है, हम उनकी हेल्प करें, उन्हें यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ दें। हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, जनरल फिजिशियंस हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हिजामा ट्रीटमेंट भी यहाँ पर हो रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं। तो उम्मीद है कि हमारे यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आएंगे इंशाल्लाह ताला यहाँ से उन्हें प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा इस मेडिकल। अब हम अपने बहुत प्यारे मोटिवेशनल स्पीकर अजीम साहब, जो कि कहने की बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये आप इस कैंपिंग के बारे में क्या रिव्यू देंगे अपने जो आपने अभी तक ऑब्जर्व किया? सर, यहाँ के जो अमजद साहब हैं, अमजद राव साहब, उनकी तरफ से आज हमें इनविटेशन था, जिसकी उनकी मोहब्बतों पे आज हम यहाँ पहुँचे हैं, और हमने अभी सारा विज़िट किया है और देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी तादाद में डॉक्टर्स और सीनियर लोग मौजूद हैं और अपनी निगरानी में सब कुछ करवा रहे हैं, और होप टू ग्रो की तरफ से ये सारी जो भी है कैंपिंग वगैरह का सिस्टम किया गया है। माशाल्लाह वो वेलफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं इस मिशन के ऊपर। उनके ये बहुत बड़ा कदम है, हर बंदा कदम नहीं उठा सकता इस तरह का, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और हमारी दुआएं जो हमेशा इनके साथ हैं, अल्लाह पाक इनको हर मकसद में कामयाब करे। और इनके साथ ही हमारे बड़े प्यारे भाई मौजूद हैं, आबिद साहब। जी आबिद साहब, इनके बारे में क्या रिव्यू देना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आइडियल स्कूल और होप टू ग्रो और अल मुस्लिम साइंस अकेडमी के इंतजामियों खराज तहसीन पेश करता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक मेडिकल कैंप अरेंज किया है। कहा जाता है कि यूथ किसी भी मुल्क का असासा होती है, तो मैं समझता हूँ हमारी जो यूथ है माशाल्लाह वो सबसे आगे है। जब यूथ शोर देती है, किसी काम में अपना हिस्सा डालती है, तो मुल्क बहुत आगे निकल जाता है। तो मेडिकल कैंप ऐसे पूरे हर तरफ इलाकों में होने चाहिए। हमारा मुल्क बहुत सारी तिबी मसाइल का शिकार है, लोगों को शोर नहीं है, तो होप टू ग्रो और ऑल मुस्लिम साइंस एकेडमी और आइडियल स्कूल के इंतजामिया जो काम कर रही है, ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। बात करने लगे हैं आइडियल ग्रामर स्कूल और मुस्लिम साइंस एकेडमी के CEO प्रिंसिपल मोहम्मद अमजद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके यहाँ पर ये आज जो कैंपिंग हो रही है, इस कैंपिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप ट्रैवल करके आए हैं, तो जुमला अफराद जितने भी अजीम भाई के साथ और आपकी टीम यहाँ आई है, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब आपने पूछा कैंप के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये तकरीबन 10-15वां कैंप है इस एरिए में जो हम अरेंज कर रहे हैं। तो इस कैंप का सबसे बड़ा फ़ायदा या बुनियादी फ़ायदा जो है वो ये है कि जो हॉस्पिटल है उनके ऊपर जो प्रेशर इस वक्त, उसको काम करना है, ठीक है। वहाँ अगर हम कभी आपका जाना हो तो आप देखें एमरजेंसी भरी पड़ी होती है,
ठीक है ना, तो वहाँ पर भी मतलब यही लोग, तो हम एक दिन के लिए पिछले सैटरडे को लगाया था और अब संडे को, कि जो वो बटन है उसको काम कर दे, नंबर वन। नंबर टू के लोगों के अंदर जो आजकल उनके रोजगार हैं, अगर हम हकायक को देखें तो आजकल लोगों की इनकम बहुत नीचे आ चुकी हुई और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, और उन एक्सपेंडिचर्स को अगर हम डिसाइड करें तो वो सबसे ज़्यादा मेडिसिन पे लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग, और हर दूसरा या तीसरा बंदा, बल्कि अब मैं समझता हूँ हर बंदा इसमें मुबतला है। तो उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं और टू गुरु के ताबुन से और दूसरे लोगों के ताबुन से कि उनको फ्री मेडिसिन दी जाए और फ्री चेकअप दिया जाए, यानी एक दिन के लिए हम एक मिनी हॉस्पिटल यहाँ कायम करते हैं, जहाँ सिवाय दो चीज़ों के, एक डेंटिस्ट और सर्जन के, क्योंकि वहाँ हैवी मशीनरी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो इस हवाले से ये एक बहुत अच्छी काविश है ऑफ टू ग्रो की, और इनके जितने भी मेंबर हैं अल्लाह ताला इनको खैर बरकत दे। ठीक है जी, अभी तक के जो मरीज़ यहाँ से जा चुके हैं उनका क्या रिव्यू है इस बारे में? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप रूम में जाएंगे अभी, क्योंकि हमने कोशिश की है कि अंदर बैठाएँ, गर्मी है, तो उनका ये है कि वो दुआ भी देते हैं और आगे के लिए हमें सजेस्ट भी करते हैं कि सर इसको कंटिन्यू रखें। उसकी वजह यह है कि अगर हर सोसाइटी के अंदर इस तरह से कायम कर दिया जाए तो उससे ये होगा कि आपकी सोसाइटी को हम सर्व कर रहे हैं। देखिए एजुकेशन, अगर हम देखें एजुकेशन का पर्पज़ क्या है, मतलब हम सारे लोग एजुकेशनिस्ट हैं, यह शोबा तलीम से व्यवस्था है, मुझे ये बताएं कि तलीम क्या कहती है। आज हमारे में प्रॉब्लम यह है कि हमें तलीम का सही पर्पज़ का नहीं पता। तलीम वो है जो लोगों को नफ़ा दे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह से जब भी कभी मांगो तो उनसे इल्म नाफिया मांगो, यानी ऐ अल्लाह वो इल्म दे जिसे मैं लोगों को नफ़ा दूँ। अगर डॉक्टर हैं तो वो लोगों को नफ़ा दे रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास जो इल्म है वो इल्म नाफिया है। अगर मैं उस्ताद हूँ, मेरे पास ये बिल्डिंग थी, अल्लाह ने मुझे वसाइल दिए हैं, तो मैं इसके ज़रिए बच्चों को, इनको तरबियत भी दे रहा हूँ, तो इस वजह से लोगों का बड़ा एक अच्छा रिस्पॉन्स है और वो कदर करते हैं और वो ये चाहते हैं कि इस तरह की ये चीज़ें लगें, मतलब इस सोसाइटी में आगे जो जहाँ जहाँ इजीली, और हम उसके लिए काविश कर रहे हैं इंशाल्लाह जी। अब हम ना यहाँ पे मरीजों के से थोड़ा बहुत इनसे पूछेंगे, इन्होंने अभी तक अपना इलाज मुआलजा करवाया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आपने हिजामा करवाया है सर? हिजामा करवाया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, और फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा, और बड़ा मतलब डॉक्टर्स वगैरह ने पूरा प्रोफेशनली डील किया है और बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है और हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मेडिसिन भी आपको आई थिंक सो फ्री दी जा रही है? बिल्कुल, यहाँ पे फ्री मेडिसिन है और ये मतलब सेकेंड कैंप या थर्ड जो है लोग करवा रहे हैं आगे, सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आइए, उनके साथ एक और बैठे हुए हैं दोस्त, आपका नाम क्या है सर? वकास नाम। वकास, ठीक है। आपने अभी तक ना ट्रीटमेंट करवा लिया है? जमा करवा लिया अपना, ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था, पहले भी मुदसर भाई की काफ़ी से इसी तरह यहाँ पे कैंप लगा जिसमें मैंने हजामा करवाया था, तो उसके बाद अब दोबारा यहाँ पे हजामे के लिए आया था, मैंने अपना करवा लिया। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अहले इलाका को दी जा रही हैं, जिस तरह फिजियोथेरापिस्ट वगैरह, फ्री मेडिसिन वगैरह, तो इलाका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है मुदसर भाई की काफ़ी से, इंशाल्लाह आगे भी उठाता रहेगा। हो गया, यानी कि आपका अच्छा, यानी कि यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे अच्छे लोग हैं और यहाँ पर आलमोस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो भी आपको आलमोस्ट, उनके बारे में क्या रिव्यू देना चाहिए? ये एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, बाकी उनके जो न्यू डॉक्टर्स हैं जिनके यहाँ पे सेशन चल रहे हैं, वो आगे वो भी सीख रहे हैं हम डॉक्टर से, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि जिस तरह एक फ्री कैंप लगता है तो वहाँ पर देखा जाता है कि जी डॉक्टर ही नहीं है सही मिला, लेकिन यहाँ पर फ्री कैंप में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स भी अच्छे मिल रहे हैं। यहाँ पर फिजियोथेरेपी के अंदर एक पेशेंट से पूछा जाएंगे जी, आपका नाम क्या है? नजीब राव। नजीब राव, नजीब भाई आपने अपना ट्रीटमेंट करवाया? जी बिल्कुल। आपने क्या ट्रीटमेंट करवाया है फिजियोथेरेपी? मेरे ना मसल के बैक पे ना, या नेक के बैक पे पेन हो रही थी, तो इस वजह से फिजियोथेरेपी करवाई आपने, तो आपको कैसा लग रहा है? अब काफ़ी आगे, पहले से तो बेहतर है, तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइज रिकमेंड की हैं, घर में जाके वो करनी है, तो इंशाल्लाह वो कहने के ठीक हो जाए। अभी तक डॉक्टर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक आपका ट्रीटमेंट किया है जिन्होंने? डॉक्टर्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे, मज़ा आया यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के, तो अच्छा लग रहा है जी। अभी आपने यहाँ सुना है कि हर एक पेशेंट का देख रहे हैं, यहाँ पर रिव्यू देख रहे हैं, तो हर एक का रिव्यू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर होप टू ग्रो की टीम को हम बहुत दाद देंगे, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। थैंक यू।